नमस्कार, आप देख रहे हैं मास्कॉम जंक्शन। मैं डॉक्टर प्रदीप कुमार हाजिर हूं एक और नई वीडियो के साथ। प्रिय विद्यार्थियों, मीडिया क्विज सीरीज की इस वीडियो में आज हम चर्चा करेंगे दूरदर्शन से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण सवालों के बारे में। जी हां, जर्नी ऑफ दूरदर्शन, यानी दूरदर्शन की शुरुआत कब हुई, कैसे दूरदर्शन ने खुद को आगे बढ़ाया और आज किस रूप में हमारे बीच में विद्यमान है और एक जनसंचार के महत्वपूर्ण माध्यम के रूप में लोगों के बीच में दूरदर्शन किस प्रकार लोकप्रिय हुआ। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्विज। पहला क्वेश्चन हमारा है, व्हेन डिड द एक्सपेरिमेंटल टेलीकास्ट ऑफ दूरदर्शन स्टार्टेड इन दिल्ली, यानी दूरदर्शन को शुरू में प्रयोग के तौर पे शुरू किया गया, एक एक्सपेरिमेंट के तौर पर इसकी सर्विसेज शुरू की गई, इसका ब्रॉडकास्ट शुरू किया गया, तो कब शुरू किया गया दूरदर्शन प्रयोग के तौर पे, यानी प्रायोगिक प्रसारण दूरदर्शन का कब शुरू हुआ, ये आपको बताना है। और इसका सही आंसर है 15 सितंबर 1959। जी हाँ, 15 सितंबर 1959 को दिल्ली की पार्लियामेंट स्ट्रीट में देश के पहले टेलीविज़न ट्रांसमीटर ने काम करना शुरू किया। हालांकि शुरुआत में दूरदर्शन का अपना कोई अलग से कार्यालय नहीं था, इसलिए आकाशवाणी की बिल्डिंग में ही इसका प्रसारण शुरू हुआ, एक स्टूडियो बनाया गया आकाशवाणी भवन में। और इस टेलीविज़न सेवा का उद्घाटन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया। इस प्रायोगिक प्रसारण के दौरान सप्ताह में दो दिन मंगलवार और शुक्रवार को कुल 60 मिनट के कार्यक्रम प्रसारित किए गए, जिनमें सूचनात्मक कार्यक्रम रहते थे और मनोरंजन के लिए कुछ कार्यक्रम रखे गए थे। हमारा अगला सवाल है, व्हेन डिड द रेगुलर टेलीकास्ट ऑफ हिंदी बुलेटिन स्टार्ट ऑन दूरदर्शन, यानी दूरदर्शन पर हिंदी के जो बुलेटिन है, समाचार बुलेटिन है, उसका नियमित प्रसारण कब शुरू हुआ। और इस सवाल का सही आंसर है 15 अगस्त 1965। जी हाँ, जैसा कि हमने कहा, 15 सितंबर 1959 को एक प्रयोग के तौर पर शुरू किया गया दूरदर्शन। इसके बाद जो भारतीय टेलीविज़न पर रोज़ाना समाचार बुलेटिन की जो शुरुआत हुई वो की गई 15 अगस्त 1965 को। आइए अब अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, व्हेन डिड द टेलीकास्ट ऑफ कृषि दर्शन प्रोग्राम स्टार्ट ऑन दूरदर्शन। 60 के दशक में हरित क्रांति हिंदुस्तान में आई, किसानों को जागरूक किया गया, रेडियो ने भी इसमें काफ़ी अहम भूमिका निभाई लोगों को अवेयर करने के लिए, तो दूरदर्शन ने भी एक योजना बनाई कि इस माध्यम से भी किसानों को जागरूक किया जाए, उन्हें खाद के बारे में, बीज के बारे में या कृषि भूमि को किस तरह से संवारना है, इस तरह की महत्वपूर्ण जानकारियाँ उन्हें दी जाए, तो इसके लिए कृषि दर्शन प्रोग्राम शुरू किया गया दूरदर्शन पर। तो आपको बताना है कि कब शुरू किया गया, और इस सवाल का सही जवाब है 26 जनवरी 1967। जी हाँ, 26 जनवरी 1967 को कृषि दर्शन का प्रसारण शुरू किया गया। 20 मिनट का यह कार्यक्रम होता था और बुधवार और शुक्रवार को प्रसारित किया जाता था। आइए अब अगले सवाल का रुख करते हैं, व्हेन वाज द टेलीकास्ट ऑफ एडवर्टीजमेंट स्टार्टेड ऑन दूरदर्शन फॉर द फर्स्ट टाइम। आपको बताना है कि दूरदर्शन पर विज्ञापन सेवा यानी एडवर्टीजमेंट जो आती हैं टेलीविज़न पर, वो कब शुरू हुई विज्ञापन सेवा दूरदर्शन पर। और इस सवाल का सही जवाब है 1 जनवरी 1976। जी हाँ, 1 जनवरी 1976 को दूरदर्शन पर पहली बार विज्ञापनों का प्रसारण शुरू किया गया। आइए अगले सवाल की ओर रुख करते हैं, व्हेन डिड दूरदर्शन सेपरेट फ्रॉम ऑल इंडिया रेडियो। आपको बताना है कि दूरदर्शन जो है वो ऑल इंडिया रेडियो से कब अलग हुआ। जैसे कि हमने शुरुआत में आपको बताया कि प्रयोग के तौर पर जब शुरू किया गया था दूरदर्शन को, तो आकाशवाणी भवन के 5वीं मंजिल पर इसको शुरू किया गया, वहाँ इसका स्टूडियो बनाया गया, लेकिन जब ये प्रयोग सफल रहा और दूरदर्शन को पसंद किया जाने लगा, उसके कार्यक्रमों की लोकप्रियता बढ़ी, तो ज़रूरत महसूस हुई इसके अलग से कार्यालय बनाने की, उसके अलग से ऑफिस या उसका इंफ्रा डेवलप करने की। तो कब अलग हुआ दूरदर्शन ऑल इंडिया रेडियो से, तो इसका सही जवाब है 1 अप्रैल 1976। जी हाँ, 1 अप्रैल 1976 को ऑल इंडिया रेडियो से दूरदर्शन सेपरेट हुआ। अगला सवाल है, व्हेन डिड द नेशनल टेलीकास्ट ऑफ दूरदर्शन स्टार्ट, यानी दूरदर्शन का राष्ट्रीय प्रसारण कब शुरू हुआ। और इस सवाल का सही जवाब है 15 अगस्त 1982। जी हाँ, 15 अगस्त 1982 से दूरदर्शन ने अपने राष्ट्रीय प्रसारण की शुरुआत की। इसके अंतर्गत देश भर के जो टेलीविज़न केंद्र थे उनको शाम के समय प्राइम टाइम में एक निश्चित अवधि यानी एक टाइम स्लॉट जो डिसाइड किया गया, और दिल्ली केंद्र में बनाए गए जो प्रोग्राम हैं उनको दिखाना होता था, और इसमें राष्ट्रीय समाचार बुलेटिन भी शामिल था और दूसरे जो प्रोग्राम प्रोड्यूस किए गए थे दिल्ली केंद्र की ओर से वो दिखाए जाते थे। आइए अब अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, व्हेन वाज द मेट्रो चैनल ऑफ दूरदर्शन स्टार्टेड, यानी दूरदर्शन का मेट्रो चैनल जो है वो कब शुरू हुआ।
वर्ष 1984 में 1984 में डीडी नेशनल के एक अल्टरनेट के तौर पर डीडी 2 शुरू किया गया 1984 में, लेकिन बाद में जब इसका एक्सपेंशन हुआ, इसको मुंबई, कोलकाता और चेन्नई तक जब इसको एक्सपेंड किया गया, तो 1993 में इसी चैनल को डीडी मेट्रो के नाम से जाना जाने लगा। यानी डीडी मेट्रो, अगर हम बात करें, डीडी 2 को जो नाम दिया गया वो दिया गया 1993 में। तो डीडी मेट्रो की शुरुआत हुई, या डीडी 2 मेट्रो की शुरुआत हुई 1993 में। हालांकि इसके बाद 3 नवंबर 2003 को जो प्रसार भारती कॉरपोरेशन है उसने डीडी मेट्रो को रिप्लेस किया अपने नए न्यू चैनल से, जिसका नाम रखा गया डीडी न्यूज़। आइए अब अगले सवाल की ओर रुख करते हैं। When did दूरदर्शन सैटेलाइट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस स्टार्ट, यानी दूरदर्शन की उपग्रह प्रसारण सेवा कब शुरू हुई, जिसके जरिए, सैटेलाइट के जरिए दूरदर्शन के जो कार्यक्रम हैं उनको सुदूर क्षेत्रों तक पहुंचाया गया? तो इसका सही आंसर है 15 अगस्त 1993। जी हाँ, 15 अगस्त 1993 को दूरदर्शन की उपग्रह सेवाएँ या सैटेलाइट ब्रॉडकास्ट सिस्टम शुरू हुआ। When did दूरदर्शन इंटरनेशनल चैनल डीडी इंडिया स्टार्ट, यानी दूरदर्शन का जो डीडी इंडिया चैनल है वो कब शुरू हुआ? और इसका सही आंसर है 14 मार्च 1995। जी हाँ, जो विदेशों में भारतीय रह रहे हैं, या भारतीय मूल के जो लोग रह रहे हैं वहाँ पे, उनके लिए हिंदुस्तान की जो खबरें हैं, यहाँ पे जो हो रहा है, जो घटनाएं हैं, जो घटनाक्रम है, उससे उनको अवगत करवाने के लिए, यहाँ के पल पल की जानकारी देने के लिए, घटनाक्रम से अवगत करवाने के लिए डीडी इंडिया चैनल शुरू किया गया। इसका कब बताना है, कब शुरू किया गया, इसका सही आंसर है 14 मार्च 1995। देन व्हेन वाज प्रसार भारती फॉर्म्ड, यानी प्रसार भारती बोर्ड का कब गठन किया गया, जिसके अंदर दो यूनिट जो हैं, ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन काम करते हैं। तो इसका सही आंसर है 23 नवंबर 1997। जी हाँ, प्रसार भारती का गठन किया गया 23 नवंबर 1997। प्रसार भारती जो है वो इंडिया की लार्जेस्ट पब्लिक ब्रॉडकास्टिंग एजेंसी है, जिसका हेड क्वार्टर न्यू दिल्ली में है, और एक स्टैचुटरी ऑटोनोमस बॉडी है, और दूरदर्शन टेलीविज़न नेटवर्क और ऑल इंडिया रेडियो दो इसकी यूनिट हैं, एक तरह से काम कर रही हैं, और एक इसको ऑटोनोमस बॉडी के रूप में मान्यता प्राप्त हुई। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज हमने चर्चा की दूरदर्शन से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण सवालों की। दूरदर्शन की जो यात्रा है वो किस प्रकार शुरू हुई, कैसे उसने आगे कदम बढ़ाए, और आज वो किस प्रकार जो है लोकप्रिय माध्यम के रूप में लगातार आगे बढ़ता जा रहा है। हमारी मीडिया क्विज सीरीज़ की अगली कुछ और वीडियोज़ में भी हम दूरदर्शन की जर्नी के बारे में कुछ सवालों पर आपके साथ चर्चा करेंगे। आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मास्कॉम जंक्शन। धन्यवाद।